ओम शांति। आज की तारीख है 21/6/2023। आज बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे तुम ज्ञान सागर शिव बाबा के पास आते हो सम्मुख मिलन मनाने, बादल भरने तुम यहाँ कोई तीर्थ करने बा पहाड़ी की हवा नहीं खाने आते हो, तुम ज्ञान के सागर शिव बाबा के पास जो कि ब्रह्मा तन द्वारा हमें ये बाबा ज्ञान सुनाते हैं, तो उनसे सम्मुख मिलन मनाने आते हो। बादल भरने कौन सा? ज्ञान रूपी बादल भरने। बाबा कहें तुम यहाँ कोई तीर्थ करने या पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। प्रश्न है आज की मुरली से, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलो कि जो एवर हेल्दी बन जाएंगे। उत्तर, एवर हेल्दी बनना माना हमेशा के लिए सुखी खुश रहने के लिए, बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो, हर बात में बाबा, हर बात में शिव बाबा शामिल हो। तुम्ही संग खाओ तुम्ही संग घूमू, मेरे मीठे बाबा मैं तुम संग बैठ कर खाऊँ तुम संग घूमू, तुम्ही से बोलूँ तुम्ही संग बैठूँ। तो बाबा कहते हैं ये वादा बाबा से करते रहो, सब कुछ बुद्धि से बाबा के हवाले कर दो बाबा, ये परिवार आपकी जिम्मेदारी बाबा, ये घर आपकी जिम्मेदारी, सब कुछ बाबा को सौंप दो। ऐसा समझकर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं, किसी भी चीज़ में ममत्व ना रहे, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ। बाबा को अर्पण करो और बाबा के ये समझो कि जो भी हमें मिल रहा है वो बाबा की श्रीमत से ही मिल रहा है, तो उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा, तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। गीत है आज की मुरली से, दूर देश का रहने वाला। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, दूर देश का रहने वाला वो बाबा हमसे कितनी दूर से मिलन मनाने आता है, तो पहली पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार की। ऊंची मंजिल पर चलने के लिए बाबा टीचर गुरु के रूप में हमें तीन इंजन मिले हैं, एक तो शिव बाबा बाबा के रूप में, पिता के रूप में, फिर वो हमें टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, और कितनी दूर से मेरा बाबा हमें पढ़ाने आते हैं, गुरु के भी सदगुरुओं का गुरु है। तो हमें तीन इंजन मिले हैं, सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि से सब कुछ बाबा के हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है, बहुत बहुत मीठा पावन बनना है, पतित पने का कड़वापन निकाल देना है, हमें पतित पने का कड़वापन निकाल देना है। वरदान है आज की मुरली से, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग उल्लास में रहने वाले मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी भव, अनुभव बड़े से बड़े अथॉरिटी हैं, हर गुण हर शक्ति हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभव में संपन्न बनो तो चेहरे पर सदा उमंग उल्लास की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ, अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूर्त बनने का विशेष पाठ बजाओ, अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदा भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है, ऐसे ज्ञान गुण शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। अनुभव होते हैं जो बाबा की याद से, जब गुण शक्तियों के अनुभव होते हैं, कितना परिवर्तन मुझ आत्मा में होता है, तो वो अनुभव की जब अथॉरिटी बनते हैं, बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञान गुण शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी बन जाते हैं। स्लोगन है आज की मुरली से, अमृत बेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। अमृत बेले का समय विशेष 3 से 5, बाबा कहते उठ के मुझे याद करो, तो 3 से 5 का समय बाबा कहते हैं विशेष प्रभु पालना का समय है, इसका महत्व जानकर पूरा लाभ लो। अगर 3 बजे नहीं तो 4 से 5 उठ सकते हैं,
तो इसीलिए बाबा ने इस पर बहुत ध्यान दिया, अमृत वेला। तो बाबा कहते हैं विशेष प्रभु पालना की वेला है। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा पवित्रता की अखंड मूर्त हूँ, मैं आत्मा पवित्रता की अखंड मूर्त हूँ। एक मिनट के लिए उस पवित्रता के सागर परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे, पवित्रता के प्रकाश से स्वयं और अपनी आत्मा को संपन्न करेंगे। पवित्रता की अखंड मूर्त, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ। पवित्रता का अनंत प्रकाश मुझ आत्मा से मेरे मस्तक से चारों ओर के वायुमंडल में प्रवाहित हो रहा है। मस्तक से निकलते हुए देखें दिव्य किरणों को, पवित्रता का ये नारंगी रंग का प्रकाश मेरे ब्रेन में जा रहा है। एक एक ग्रंथि ब्रेन की पवित्र हो गई, मेरा एक एक संस्कार पवित्रता से संपन्न हो गया। इस शरीर का एक एक कर्मेंद्री पवित्रता से भरपूर हो गई। प्रकृति के पांचों तत्व दिव्य पवित्रता से भरपूर हो गए। मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा हूँ।